अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनीज बनाने पर काम कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पहला इंसान लाल ग्रह पर कदम रख सकेगा। पर मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की सबसे संभावित योजना एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का है, जो कि 2050 से 26 महीनों के दौरान करीब 1,00,000 लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनका प्लान मंगल ग्रह पर एक ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी का निर्माण करना है जहां करीब 10,00,000 लोग बिना पृथ्वी की सहायता के वहां रह सकेंगे। ऐसे में अगर हमें इस भारी आबादी को मंगल ग्रह पर बसाना है तो हमें इनके लिए जरूरी फूड का उत्पादन मंगल ग्रह पर ही एग्रीकल्चर के जरिए करना होगा। पर यहां एक सवाल यह है कि क्या हम मंगल ग्रह के मिट्टी पर खेती कर वहां फसल और दूसरे पेड़ पौधे उगा सकते हैं या नहीं। मंगल ग्रह को इंसानों के अगले घर के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह तक पहुंचने की इच्छा जता चुके हैं। इन सभी में इलोन मस्क की स्पेसएक्स सबसे आगे है, जो कि 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। इंसानों की योजना सबसे पहले मंगल ग्रह तक पहुंचने और फिर वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने की है। पर अगर इंसान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाता है तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ी समस्या वहां एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर किसी भी रिसप्लाई मिशन को अंजाम देने में बेहद ही ज्यादा खर्च और कम से कम 7 महीनों का समय लगेगा। ऐसे में वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बार बार फूड्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए रिसप्लाई मिशनों को अंजाम देना बेहद ही ज्यादा खर्चीला होगा, जो कि संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है और वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मास कॉलोनी बसनी है तो हमें अपने लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल ग्रह पर ही पैदा करना होगा। मंगल ग्रह पर आधारित मशहूर मार्शियन फिल्म में दिखाया जाता है कि एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी मंगल ग्रह पर उस समय फंस जाते हैं जब उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट्स उन्हें मरा हुआ मानकर वापस स्पेस स्टेशन पर चले जाते हैं। ऐसे में वॉटनी मंगल ग्रह पर अकेले रह जाते हैं, जहां उनके पास केवल उनका स्पेस सूट, उनका लैब और केवल कुछ दिनों का फूड और वाटर ही मौजूद होता है। पर यह इतना काफी नहीं होता कि वह नासा द्वारा कई महीनों बाद भेजे जाने वाले रेस्क्यू मिशन तक उनको जीवित रख पाए। ऐसे में वॉटनी अपने बेस में मौजूद टेक्नोलॉजी और पोटैटो का उपयोग कर खुद ही अपने लिए फूड और वाटर को प्रोड्यूस करने की योजना पर काम करते हैं। वो अपने लैब के अंदर एक छोटा आर्टिफिशियल फार्म बनाते हैं जहां वो उनके क्रूमेट्स के ह्यूमन वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स की तरह उपयोग कर मार्शियन सॉइल में पोटैटोज उगाते हैं और साथ ही अपने लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं। क्या मंगल ग्रह पर आलू उगाया जा सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी पर आलू उगाना केवल एक साइंस फिक्शन ही है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से यह साफ है कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम मंगल ग्रह पर फसल उगाकर वहाँ खेती कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी सभी कॉम्पोनेंट्स के बारे में जानना होगा। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सॉइल, वाटर और एक फीजिबल एनवायरनमेंट। ऐसे में हम बारी बारी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये तीनों जरूरी चीजें मौजूद है या नहीं, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना और खेती करना संभव है या नहीं। ऐसे में सबसे पहले हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह का सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। धरती पर किसी भी प्रकार के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी होता है। साथ ही हमारे धरती पर मौजूद सॉइल माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सर्वाइव करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सॉइल मुख्य रूप से क्रस्ट रॉक है, जहां प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर आपको मंगल ग्रह के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करना है तो आपको दूसरे तरीकों से जरूरी न्यूट्रिएंट्स इसके सॉइल तक पहुंचाने होंगे। वही कुछ लोग ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड खाद के जरिए भी ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स सॉइल और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को अपनी तेज ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया कराते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर्स ने कई सालों तक मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन किया है, जिनके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सॉइल के बारे में काफी जानकारियां मौजूद है। अध्ययनों में पता चला है कि मंगल ग्रह के मिट्टी में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो है, पर वो काफी कम मात्रा में मौजूद है, जो कि किसी प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मंगल ग्रह के सॉइल को ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं ताकि प्लांट्स उसमें ग्रो कर सके।
पर मंगल ग्रह के मिट्टी के साथ एक और बड़ी समस्या है, इसका हाई पीएच लेवल जो कि 9 से 10 के करीब होता है। एस्ट्रोनॉट्स को इसे 7 के करीब लाने के लिए भी उपाय करने होंगे, यानी मंगल ग्रह का सॉइल हमारे खेती के लिए ज्यादा बड़ी समस्या पैदा नहीं करता। हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी वाटर मौजूद है या नहीं। लिक्विड वाटर संभवतः मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के सेल्फ सुटेनेबल मार्शन बेस बनाने के लिए सबसे जरूरी है। लिक्विड वाटर का उपयोग न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए करेंगे, साथ इसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और साथ ही उससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाएगा। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा जुटाई गई जानकारियों के अनुसार मंगल ग्रह पर वाटर केवल आइस के रूप में इसके पोल्स और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है, जिसको एक्सट्रैक्ट कर वैज्ञानिक उसे लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी प्लांट्स के ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारे धरती की उपेक्षा करीब 38% ही है। ऐसे में प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए जरूरी पानी मंगल ग्रह के कमजोर ग्रेविटी की वजह से इसके मिट्टी में अलग तरह से फ्लो करेगा, यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूद मिट्टी पृथ्वी की उपेक्षा पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए धरती की उपेक्षा कम पानी की जरूरत होगी। ये खोज मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने और खेती करने के लिए जरूरी लिक्विड वाटर की मुश्किल को थोड़ा आसान करता है। हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उसके फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी सनलाइट, कार्बन डी ऑक्साइड और एक एवरेज तापमान शामिल है। मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां यही मौजूद है। धरती पर पौधों को पानी के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट और CO2 की जरूरत होती है, जो कि उन्हें हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत अपने लिए जरूरी एनर्जी बनाते हैं, जिस दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डी ऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है, ऐसे में प्लांट्स के लिए यहाँ भरपूर CO2 मौजूद है। पर दूसरी ओर मंगल ग्रह हमारी धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना बड़े ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारे पृथ्वी की तुलना में सिर्फ आधी सनलाइट ही मिल पाती है। उसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारे धरती की तुलना में करीब 100 गुना पतला है, जिसके कारण इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में किसी भी प्रकार के प्लांट का सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है। साथ ही थिन एटमॉस्फेयर के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इसके सरफेस तक पहुंच जाती है, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। यानी सीधी भाषा में कहे तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट्स को ग्रो करना संभव नहीं है। अगर हमें मंगल ग्रह पर खेती करनी है तो हमें मार्शन मूवी में दिखाए जाने वाले वॉटनीज के लैब की ही तरह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही प्लांट्स को ग्रो करना होगा, जहां आर्टिफिशियल लाइट के जरिए इन्हें एनर्जी दी जाएगी और साथ ही इसका 20 से 30 डिग्री का एवरेज तापमान प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल होगा। पर इन सब के बावजूद कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लांट्स हमारे धरती पर लाखों सालों के दौरान इवॉल्व हुए हैं, जो कि हमारे धरती के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल चुके हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि सभी तरह के रिच न्यूट्रिएंट्स और फेवरेबल एनवायरनमेंट के बावजूद मंगल ग्रह पर ये प्लांट्स ठीक तरीके से ग्रो न करे, यानी मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो कराना बेहद ही मुश्किल है, जिसके लिए बेहद ही ज्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। पर इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग कर खास मंगल ग्रह के लिए ही प्लांट्स और क्रॉप्स को डेवलप करें। यह मास बेस्ड प्लांट हमारे द्वारा डिस्कस किए गए सभी चैलेंजेस का एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल मार्शन कॉलोनी के हमारे सपने को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी का निर्माण करना होगा, जहां हम मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट और कंडीशंस की नकल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसे प्लांट का निर्माण करना होगा जिसमें मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए कुछ खास खूबियां मौजूद हो, जिसमें सबसे पहला है कि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि यह मंगल ग्रह के कम सनलाइट में भी जीवित रह सके। दूसरा कि यह प्लांट कम पानी और बेहद ही कम तापमान में भी जीवित रहना चाहिए, और तीसरा कि इसकी फोटो प्रोटेक्शन क्षमता ज्यादा होने चाहिए, ताकि सन से आने वाली खतरनाक यूवी रेज से अपनी सुरक्षा कर सके।
और चौथा ये कि इसे ग्रोथ के लिए कम से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो ताकि यह मंगल ग्रह के कम न्यूट्रिएंट सॉइल में बिना किसी परेशानी के आसानी से ग्रो कर सके। साथ ही हमें धरती पर मौजूद माइक्रोब्स को मॉडिफाई करना होगा ताकि यह मंगल ग्रह के सॉइल को डिग्रेड कर उसके क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में सक्षम हो। ऐसे में आपका क्या सोचना है कि क्या भविष्य में मंगल ग्रह पर खेती संभव है या नहीं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।